में लेके आए हैं वृद्धि संधि के बारे में। हमने पिछले चार वीडियो में, जिसमें सबसे पहले जो पार्ट वन था उसमें हमने संधि परिचय के बारे में बात की थी, और नेक्स्ट सेकंड जो वीडियो था वो हमने दीर्घ संधि के बारे में बात की थी, और नेक्स्ट थर्ड वीडियो जो अपना पार्ट थर्ड था उसमें हमने गुण संधि और फोर्थ पार्ट में गुण संधि के कुछ अपवाद के बारे में बात की। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जिसमें हमने गुण संधि की पहचान बताई थी कि जिसमें ए की मात्रा हो और ओ की मात्रा हो। आज इस वृद्धि संधि में थोड़ा सा कुछ अलग सा है, उससे समझने के लिए पहले गुण संधि का विधायक सूत्र क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। वृद्धि संधि विधायक सूत्र, इसका जो विधायक सूत्र है वो है वृद्धिरादिज। वृद्धिरादिज ये कहता है आदेच वृद्धि संज्ञाश्चात्, ये सूत्र के आदेच का मतलब होता है कि ये जो वृद्धि जो संधि है आपकी वृद्धि संधि ये किन किन वर्णों पे होती है। आद का मतलब होता है आवर्ण, एच एच प्रत्यार के अंदर जो वर्ण आते हैं जैसे ए औ, इन तीनों वर्णों की क्या होगी आपकी वृद्धि संज्ञा होगी। बात करते हैं अब इस जो संधि है इसका सूत्र कार्य कैसे होगा। संधि का सूत्र कार्य, संधि सूत्र वृद्धि रेचि वृद्धिरेचि, ये सूत्र क्या है कि अचि परे वृद्धि रेखादेश, एकादेश सात, अर्थात अच परे रहते हैं वृद्धि एकादेश होता है, जिसकी अगर पहचान की बात करें हम तो इसका एक सूत्र चलता है इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग। अगर ये आपने फॉर्मूला समझ लिया तो आपको वृद्धि संधि समझ में आएगी। जैसे अ या आ प्लस के इस तरफ वर्ण होंगे और इस तरफ क्या होंगे प्लस के ए आई ओ और औ, प्लस के इस तरफ ए आई ओ औ वर्ण हो और प्लस के इस तरफ पूर्व में अ और आ वर्ण हो, तो इनके स्थान पर अ या आ दोनों होंगे तो ए आई मिलेंगे तो आई बनेगा, क्या बनेगा आई, अ आ और ओ औ मिलेंगे तो आ का बनेगा औ। ये दोनों आएंगे इस कंडीशन में, जब अ प्लस ए या आ प्लस आई दोनों मिलेंगे तो भी आपका आई बनेगा, और अ या आ प्लस ओ या औ दोनों मिलेंगे तो औ ही बनेगा। जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे शब्द है सदैव, और वृद्धि संधि की पहचान क्या होगी आपके कि जहां पे दो मात्रा हो, जहां पर दो मात्रा हो, दो मात्रा हो कौन सी आई की, वो आपकी वृद्धि संधि होगी। और गुण संधि की बात करते हैं तो एक मात्रा जहां हो वहां पे आपकी गुण संधि होगी। अब यहां पे देखो एग्जाम्पल समझते गुण संधि और वृद्धि संधि में, जैसे शब्द लिखता हूं महेंद्र और एक लिखा सदैव। अब दोनों में देखो अंतर ये कि इसमें गुण संधि में एक मात्रा होती है और वृद्धि संधि में दो मात्रा होती है। इन दोनों संधि में यही पहचान है इसकी कि जहां पे दो मात्रा हो, जैसे एक शब्द और लिखते हैं प्रमोषधि, और इधर लिखते हैं परोपकार,
दोनों में अंतर यही है कि इसमें औ की मात्रा है जिसमें एक मात्रा, तो यहाँ पे गुण संधि होगी, और जहां पे औ की मात्रा हो, दो मात्रा हो, वहां पे वृद्धि संधि होगी। संधि करते हैं सदैव शब्द की। यहां पे देखो द में आई की मात्रा मिली हुई, और आपको पता है आई किससे मिलकर बना है, अ या आ या ए और आई दोनों से मिलकर। तो अपन प्लस के इस तरफ द में से आई निकाला तो अपना द आधा बचा सद, और ए अपना निकल के बाहर आया, और यहां पे वह बचा, ये वह अपने यहां लिख लिया। अब ये ए आपको पता है ये दोनों इन मनों से मिलकर, तो प्लस के इस तरह आप क्या दोनों में से कोई एक रखोगे तो आपको पता ए वैसे लिखते हैं, और सद और सद में आप अ या आ दोनों मिलाओगे तो क्या होगा, सदा होगा, आ मिलाओगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सदा प्लस ए। अब वही कंडीशन कि सदा शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, आ, और एव शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है, ए, और इन दोनों से मिलने से क्या बनेगा आपका, आई। तो इस और ध्यान देना कि यहां पे जो सदा में से आ बाहर आया तो यहां पे द में आई की मात्रा मिलेगी तो क्या बनेगा, सदैव। तो इस तरह आपका संधि विच्छेद क्या होगा, सदा प्लस एव, और इसका संधि होगा सदैव। इस तरह अगर प्रमोशिनी शब्द की बात करें तो क्या होगा, देखो या म में औ मिला हुआ तो म में औ बाहर निकला तो शब्द क्या बना, परम म हलंत हुआ, और शब्द बचा सदी। अब आपको पता है ये औ किससे मिलकर बना, प्लस के इस तरह अ या आ है और इधर ओ या औ। अब आपको पता कि औषधि में औ होता है या औ होता है, तो औषधि में औ आता है औ, और आ और अ दोनों में से परम में अ मिलाओगे तो परम शब्द बना, तो म हलन था तो पूर्ण हुआ परम प्लस औषधि। अब आपको इसका संधि विच्छेद हुआ परम प्लस औषधि। अब इसको वापस मिलाओगे देखना, म में सगा निकला बाहर और औषधि का औ लिखा, दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा आपके, अव आएगा, तो इस म में वापस औ मिलेगा शब्द क्या बनेगा, प्रमोषधि। तो आप इस तरह वृद्धि संधि के एग्जाम्पल को समझ सकते हो, इस तरह से उनको हल कर सकते हैं। अब उनको अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये है अ या आ प्लस ए आई से बने शब्द हैं, शब्द जैसे तथ्य इसका संधि विच्छेद करेंगे। जैसे हमने बताया था कि ऐसे शब्दों की पहचान वहां होती है जिसमें दो मात्राएं लगी होती एक, जैसे तथा प्लस एव, इसका संधि विच्छेद हुआ। आपको पता कि तथा में अंतिम वर्ण आ है और प्लस के इस तरफ ए है, तो यहां देखो प्लस के इस तरफ अ आ दोनों में से कोई एक है और इधर ए, ये तो शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ, तथा प्लस एव। बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे ये उसी प्रकार है, यथे का होगा यथा प्लस एव, ठीक है। अब बात करते हैं मतेक्यम शब्द, क्या होगा इसका संधि विच्छेद, मत प्लस एक्यम, मत प्लस एक्यम होगा, जलोग दो मात्रा है यहां पे, ये ओग आया जल प्लस ओग, क्या होगा इसका, जल प्लस ओग, औ की मात्रा लगी हुई है तो औ दो वर्णों से मिलकर बना अ अ आ प्लस ओ औ से, सुबेसी शुभ प्लस एसी, ठीक है, हितेशी हित प्लस एसी, वितेशना वित प्लस एशना, स्वेच्छिकम स्व प्लस एच्छिकम, हे छिकम, अत्रेव अत्र प्लस एव। वृद्धि संधि में ये जो एग्जांपल है, तथैव शब्द है, सदैव शब्द है, ये अधिकतर बार बार एग्जाम में यही शब्द पूछे जाते हैं वृद्धि संधि के बारे में।
जैसे अब है अ या आ प्लस ओ और औ से बने शब्द, शब्द देता है ज्ञान औषधि। सन्निविच्छेद क्या होगा इसका? ज्ञान प्लस औषधि। ध्यान देना यहां पर औषधि में औ की मात्रा आती है, औषधि होता है, औषधि नहीं होगा औषधि। प्रौद्योगिकी प्र प्लस औद्योगिकी, औद्योगिकी। यथोचितम यथा प्लस औचित्यम, यथा प्लस औचित्यम। महोजस्वी क्या होगा? महा प्लस ओजस्वी। देवोदारी, देव प्लस ओदारी। शब्द परमौषधि क्या होगा इसका संधि विच्छेद? परम प्लस औषधि। तंडुलोदनम, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, तंडुल प्लस ओदनम। तंडुल प्लस ओदनम। इस प्रकार आप वृद्धि संधि को इन सूत्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हो, इनके एग्जांपल हल कर सकते हो। अब बात कर रहे हैं हम, जो हमने बात की थी दीर्घ संधि के बारे में, गुण संधि के बारे में और वृद्धि संधि, इन तीन संधि के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज वृद्धि संधि के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकी पहचान का अगर तरीका देखो तो क्या होगा? दीर्घ का मतलब होगा कि जो वर्ण दीर्घ होंगे जिस संधि में, जैसे आ आएगा बड़ी ई आई और उ आया दीर्घ। अगर ये वर्ण आपको जहां देखने को मिले वहां पर अधिकतर दीर्घ संधि होगी। और गुण संधि की बात करें तो जहां पे एक मात्रा हो, एक ही और ओ की मात्रा, वहां पे आपकी गुण संधि होगी। और वृद्धि संधि की बात करें तो जहां पे दो मात्रा हो और औ की मात्रा हो, दो, एक मात्रा वाला गुण संधि और दो मात्रा वाला वृद्धि संधि होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए।